नहीं छोड़ इसको छोड़, बाकी बता दे कहाँ दर्द हो रहा है, पेट में बता रही थी, सर में बता रही थी, कहाँ दर्द? सर में अभी इतना जोर का दर्द था, कहाँ दर्द है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मारूंगा खींच के, सारे जीवन भर दर्द ही रहेगी, घबराहट हो रही है, चुप हो, अगर चुप नहीं होगी तो ठीक नहीं होगी, ये बात लिख ले मेरी, चुप होके मेरे से बात कर। क्या नाम है आपका मैडम जी? रोते क्यों हो जी आप? रोने वाला कभी ठीक हुआ है जी? सिया जी रोने वाला कभी ठीक हुआ है जी? दर्द हो रहा है भैया। कहाँ दर्द हो रहा है? खून निकल आए? नहीं खून निकल आए है, अब बताओ पूरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मेरे को। अभी भी रो रही है? रो मत। यहाँ दर्द हो भैया, है वहाँ अभी है? अभी हल्का सा है, तो भारी सा कहाँ गया फिर? और कहाँ दर्द है? और कहाँ दर्द है? अभी क्या कर रही थी? कमर में हो रहा था? नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा कमर में। यहाँ है भैया, अभी हल्का। और पेट में था? कहाँ है? और यहीं कर इसको, नहीं कर, जब नहीं हो रहा है तुझे समझ में आ गया तो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आंखों में देख मेरी, में थोड़ी सी भी घबराहट है? अब होगी। जसनीदीप जसनीदीप, सभी लोग आप अपने व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को लिंक भेजिए अपने दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और साथ में परम पूज्य मनु भैया जी इतने बड़े घनिष्ठ और आपके रोगों का निवारण कर रहे हैं आपके सामने। जसनीदीप जसनीदीप जसनीदीप, बालों में कलर लगाया? एक बार लगाया था। हाँ सारे सफ़ेद हो जाएंगे तेरे अगर तू लगाएंगे, अभी तेरे सफ़ेद नहीं है ना, हर तेरे आदमी के हैं, इसी के लगवाती रहे, इसी को सफ़ेद, इसी के काले करती रहे, ये तो गंजा भी होता आ रहा है। तुझे अपने आदमी की कोई चिंता है कि नहीं? इसके गंजा हो रहा है, तुमने गंजेपन का कोई इलाज नहीं ढूंढा इसका? सरसों के तेल की मालिश कर हमारे शनि धाम की, इससे बाल बहुत जल्दी आते हैं। लगाते लगाते हो आप उसको? अब भी लगाते हो? देख लेना बाल आ जाएंगे सारे के सारे। अभी और दो बार आएगी, रात में 12 बजे तक तो आती है, और अभी एक हफ्ता पहले रात में सो रही थी, सोते सोते ऐसे लगा गेट में से ऐसे बैठी हुई, और गेट में से एकदम से बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े मोटे मोटे, अच्छा आधे कपड़े पहने और आके डरा दिया, फिर कुछ कहा नहीं और चले गए। क्या थे? दो थे। काले काले थे दोनों। हाँ। ये 7:30 और ढैया थी तेरे ऊपर शनि देव की, 7:30 और ढैया चल रही है, तू शनि धाम में आ रही है, ये बड़ी बड़ी गनीमत बात है, आगे ना समझ में। ये दोनों एक 7:30 का स्वरूप था, एक ढैया का, ये दोनों साथ तभी आते हैं जब आपकी 7:30 और ढैया चल रही होती है। हंस के और चले गए, बोले कुछ भी नहीं। हाँ तो तू शनि धाम में आती है ना इसलिए, और दीपदान करती है ना इसलिए। 7:30 और ढैया कैसे टलती है देख लो, आके हंस के और चले गए, और मैं बता रहा हूँ तेरा, अगर वे आके हंस के नहीं जाते ना तो तेरे को जैसे ही दिखाई दिए ना वैसे ही तेरे घर में उल्टा होना चाहिए था, यानी कि नुकसान हो जाता है दिखते ही, ये बात लिख ले तू। इसलिए शनिदेव बड़े परम सुखद हैं, भक्ति को बहुत मानते हैं, इसलिए हर प्रत्येक आदमी को चाहिए कि वो भक्ति करे, इसलिए जब भी महादशा किसी पे आने वाली होगी ना तो शनिदेव महाराज अकेले ऐसे देवता हैं जो पहले आपको एक काले स्वरूप का व्यक्ति दिखाएंगे, पतला सा, जो बहुत लंबा होगा और यानी कि वो मानव की सीम संख्या से यानी कि कद से बड़ा होगा, तो वो क्या है कि वो 7:30 और ढैया का महादशा का स्वरूप होगा। इसी प्रकार से जब भी दो दिखाई दें, ढैया और 7:30 एक साथ आती है, ये आपके इनके सबके स्वरूप है, आया समझ में? बोलो शंकर भगवान की जय। कहाँ है दर्द बताइए जरा, चलो जा बोझ लो। ये 10 साल की लीला होती है इनकी।